प्यारे दर्शकों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वारा आईटीआई नगर की इस खास पेशकश आईटीआई न्यूज कॉर्नर में। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश आईटीआई से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया में धांधलीबाजी मिली है। शासन के आदेश के इंतजार में जाँच होनी बाकी है। आइए देख लेते हैं क्या अपडेट निकल कर आ रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शासन आदेश के विरुद्ध अवैध धांधली करके प्रवेश कराकर रुपए लिए जाने के मामले में शासन ने जांच बैठा दी है। अपर मुख्य सचिव व्यावसायिक शिक्षा एस राधा चौहान ने सीडीओ राजा गणपति आर को जांच के लिए नामित किया है। हालांकि सीडीओ राजा गणपति आर ने बुधवार को बताया कि अभी उन्हें जाँच के आदेश नहीं मिले हैं। उन्हें जानकारी मिली है कि जांच के लिए उन्हें नामित किया गया है। आदेश जैसे ही आएगा उसके बाद जांच प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के आईटीआई के प्रधानाचार्य ने चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी की है। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा जुलाई 2019 में प्रयोगात्मक परीक्षा बिना परीक्षक के कराए जाने का मामला भी सामने आया है। अभी वे आदेश का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानाचार्य एम के सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया परंतु वे उपलब्ध नहीं हुए। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो प्यारे दर्शकों, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही आईटीआई से संबंधित न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के द्वारा आईटीआई नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज में।